हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोगों के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो रही है। आज हम लोग कॉमर्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिर उसका कंटेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो पेपर वन जो थ्योरी 80 मार्क्स के लिए है, फर्स्ट जो आप लोगों को पढ़ना है बिज़नेस एनवायरनमेंट फर्स्ट चैप्टर तैयार करना है, ठीक है? इस ईयर में इस चैप्टर से 8 मार्क्स का क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको स्किप नहीं करना है। फर्स्ट में क्या क्या है? कॉन्सेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट जानेंगे, क्या है मीनिंग, क्या है फीचर्स बिजनेस एनवायरनमेंट का, फिर हम लोग इम्पॉर्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है? देन डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कवर करेंगे, कितने डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट के। बेसिकली टू डायमेंशंस पे बिजनेस एनवायरनमेंट वर्क करता है। फर्स्ट वन इज़ माइक्रो एंड द सेकेंड इज़ मैक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है? माइक्रो इंक्लूड्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। माइक्रो में एक इंटरनल फैक्टर्स जानेंगे क्या होता है और एक्सटर्नल फैक्टर्स जानेंगे क्या होता है। फिर उसके बाद मैक्रो इन्वायरमेंट है। मैक्रो में हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है, सोशल इन्वायरमेंट क्या है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या है, देन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एंड लीगल इन्वायरमेंट की मीनिंग एंड कॉम्पोनेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है? ओनली मीनिंग एंड कॉम्पोनेंट्स, और बहुत फर्दर डिटेल में इसकी स्टडी नहीं करेंगे। देन सॉर्ट एनालिसिस पढ़ेंगे क्या होता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जानेंगे सॉर्ट की, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। जब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर फाइनेंसिंग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ही की बुक से पढ़ेंगे हम लोग, और ये ISC वाले स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि ISC बुक हम फॉलो कर रहे हैं और ये सिलेबस भी ISC का ही है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलना, इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है हमारे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमको आइडिया मिल जाएगा व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इम्पॉर्टेंस क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट की, फिर उसके डायमेंशंस जान जाएंगे हम लोग क्या होते हैं, कितने डायमेंशंस हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है, मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है, देन सॉर्ट एनालिसिस भी कर लेंगे, ठीक है? ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट चैप्टर नंबर वन इसको पढ़ने के बाद, ठीक? तो जब ये फर्स्ट पैरा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को आप पढ़ लेंगे तो आपकी पूरी मीनिंग क्लियर हो जाएगी दिमाग में क्या है। एवरी बिजनेस इंटरप्राइज इज़ अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। हर बिजनेस इंटरप्राइज जो है ये किसका पार्ट होता है, ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कहाँ पे ऑपरेट करता है, सोसाइटी में ही तो रहता है ना। बिजनेस कहाँ रहता है, सोसाइटी में रहता है, उसी सोसाइटी में हम लोग सारे काम करते हैं। तो बिजनेस एग्जिस्ट एंड ऑपरेट इन एसोसिएशन विद वेरियस ग्रुप्स इन अ सोसाइटी। अब बिजनेस जो ये कहाँ पर ऑपरेट करता है, कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, इन एसोसिएशन विद वेरियस ग्रुप्स इन अ सोसाइटी। जो बहुत सारे ग्रुप बने हैं सोसाइटी में, उन्हीं ग्रुप्स में हमारा बिजनेस जो है रहता भी है और ऑपरेट भी करता है। तो ये ग्रुप्स के नाम क्या क्या हैं जो सोसाइटी में हमको मिलते हैं, ये हमें कस्टमर्स हैं हमारे, सप्लायर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हो गए, ट्रेड यूनियंस, मीडिया एंड सो ऑन। तो ऑल दीज ग्रुप्स जो हमने पढ़े हैं ना, ऑल दीज ग्रुप्स ये इन्फ्लुएंस करते हैं, किसको इन्फ्लुएंस करते हैं, फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, बिजनेस के काम को इन्फ्लुएंस करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ये कॉन्स्टिट्यूट क्या कर रहे हैं, ये चीज़ें क्या हैं, ये सब है इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। ये सब मिल के इन्वायरमेंट बनाती हैं बिजनेस का, कि बिजनेस इन्वायरमेंट इसे कहते हैं हम लोग, जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करे, ठीक? कॉन्सेप्ट क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट का, द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट रिफर टू द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस दैट लाई आउटसाइड अ बिजनेस इंटरप्राइज बट दे मे इन्फ्लुएंस इट्स फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस। ये जो टर्म है बिजनेस एनवायरनमेंट, इसको मीनिंग है सम टोटल कर दो, पहले तो सम टोटल किसका कर दो, सारे इंडिविजुअल्स का, इंस्टीट्यूशंस का एंड अदर फोर्सेस का जो आउटसाइड द बिजनेस बैठे हैं, ठीक है, आउटसाइड द बिजनेस इंटरप्राइज बैठे हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, किसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बिजनेस के फंक्शन को और बिजनेस की परफॉर्मेंस को। तो इन जो फैक्टर जो बाहर बैठे हैं, यही सब हैं बिजनेस के एनवायरनमेंट हैं, ठीक है? कुछ पॉपुलर डिफिनेशन दी गई है, तो एक डिफिनेशन कवर कर लेते हैं कैथी डेविस की। इन्होंने कहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ये सम टोटल है सारी कंडीशन, इवेंट एंड इन्फ्लुएंस का जो सराउंड्स हैं एंड इफेक्ट भी कर रही है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, दैट सराउंड मगर
ये बिजनेस है, मान लीजिए यहाँ बिजनेस ऑपरेट कर रहा है और इसके बगल में जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सब बिजनेस को क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो यही सब जो इन्वायरमेंट को कम बनाते हैं और बिजनेस को जो इफेक्ट करें वही बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब इसका फीचर्स कंप्लीट करते हैं जल्दी से पढ़ के। सबसे पहला देखिए, हम जो करवा रहे हैं वो है जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्स। बिजनेस इन्वायरमेंट में इंक्लूड है दोनों, जनरल और स्पेसिफिक फोर्सेस। जनरल फोर्सेस क्या होते हैं? जनरल फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस इंटरप्राइजेस को। डायरेक्टली तो ये इफेक्ट नहीं डालते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। जैसे इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल, ये सारे फैक्टर इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस के फंक्शनिंग को और उसके ऑपरेशंस को। और स्पेसिफिक फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस के परफॉर्मेंस को। ठीक है, स्पेसिफिक फोर्सेस में कौन कौन आएंगे? एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स हो गया, कस्टमर्स हो गए उनके, कॉम्पिटिटर्स हो गए एंड सप्लायर्स हो गए, जो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल इंटरप्राइज को डायरेक्टली। ठीक, नेक्स्ट वन जो हम कवर कर रहे हैं वो है डायनेमिक। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? वो स्टैटिक नहीं है, वो फिक्स्ड नहीं रहता है, वो कीप ऑन चेंजिंग, वो चेंज होता रहता है। तो इंट्री ऑफ अ न्यू कॉम्पिटिटर इन अ मार्केट, अगर न्यू कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गया तो डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी हो गई या शिफ्ट इन प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स आर एग्जांपल ऑफ इन्वायरमेंटल चेंजेस। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से हम लोग कहते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? डायनेमिक है, ये कीप ऑन चेंजिंग है, ये एक जैसा हमेशा नहीं रहता है। फिर क्या है नेक्स्ट वन? इज़ अनसर्टेनिटी। बिजनेस कैसा है? अनसर्टेन है, इसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि फ्यूचर में एक पर्टिकुलर कमोडिटी की सेल्स बढ़ेगी ही चाहे जो भी हो जाए, ऐसा नहीं है। देखिए पहले के टाइम में क्या चलता था, टाइपराइटर होता था, अभी टाइपराइटर की कोई डिमांड नहीं है। क्यों? क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट अनसर्टेन है, ये जो है हमें पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो हमको इन टच रहना पड़ेगा इन्वायरमेंट से। तो यहाँ पे भी वही लिखा है कि बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ लार्जली अनसर्टेन बिकॉज, क्यों? क्योंकि ये डिफ़िकल्ट है प्रिडिक्ट कर पाना फ्यूचर इवेंट्स को, पर्टिकुलरली चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड फैशन विच अकर फास्ट एंड फ्रिक्वेंटली। क्यों? क्योंकि जो चेंज टेक्नोलॉजी है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, फैशन नए नए आ रहे हैं जो बहुत तेज़ हैं, फास्ट भी है और फ्रिक्वेंटली भी है। इसीलिए कहा जाता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा है? अनसर्टेन है, हमको इन्वायरमेंट के साथ कोप अप करने के लिए इन्वायरमेंट के साथ रहना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिलेटिविटी। रिलेटिविटी क्या होता है? ये जो है डिपेंड होता है रीजन टू रीजन। जैसे मानिए कि इंडिया में साड़ी पहनने का कल्चर है, लेकिन जापान में तो ऐसा नहीं है, जापान में कोई और ड्रेस पहनने का कल्चर होगा, इसीलिए इसको कहा जा रहा है ये रिलेटिव है। रिलेटिव इट डिफर है, ये डिफरेंट है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन फ्रॉम रीजन टू रीजन। हर एक रीजन के लोग अपनी चीज़ अडॉप्ट करते हैं, तो हम एक चीज़ को सब पे इम्प्लाई नहीं कर सकते। हम जहाँ जा रहे हैं हमको वहाँ पर देखना पड़ेगा कैसे लोग हैं, कैसा उनका एटमॉस्फेयर है, उसी तरीके से उनके एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। देखिए एग्जाम्पल में भी लिखा है, डिमांड फॉर साड़ी इज़ क्वाइट हाई इन इंडिया बट ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस इन जापान। जापान में एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरीके की पर्टिकुलरली हम देख लें कि पॉलिटिकल कंडीशन जो इंडिया में है वो अलग है, डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इराक, इराक में अलग है कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा है? ये मल्टी डायमेंशनल है, ये सेवरल डायमेंशंस पे ऑपरेट करता है, जैसे कि माइक्रो एंड मैक्रो, बोथ ऑफ दीज इन टर्न हैव मेनी एस्पेक्ट्स, इनके जो हैं बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। फिर नेक्स्ट वन इज़ डाइवर्सिटी। जो बिजनेस इन्वायरमेंट है इज़ मल्टीफैक्टेड और डाइवर्स इन नेचर है, ये बहुत अलग अलग है। जहाँ आप जाएंगे आपको वहीं की चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ेगी, वहीं का कल्चर अडॉप्ट करना पड़ेगा और उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा, वही कमोडिटी बना के मार्केट में बेचनी पड़ेगी जो वहाँ पर चल रही है। ठीक, और ये क्या है? नॉन कंट्रोलेबल, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट है ये नॉन कंट्रोलेबल है। एक बार चलिए आप इंटरनल फैक्टर को थोड़ा बहुत कन्विंस कर सकते हैं, जिनको हम कह रहे हैं स्पेसिफिक फोर्सेस को, उनको हम थोड़ा बहुत कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन जनरल फोर्सेस को एडजस्ट कर पाना या जनरल फोर्सेस को बता पाना ये बहुत मुश्किल है, जनरल फोर्सेस को कंट्रोल कर पाना ये बहुत मुश्किल है। इसीलिए कहा जाता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा है? ये नॉन कंट्रोलेबल है। द फैक्टर्स एंड फोर्सेस दैट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस इन्वायरमेंट आर लार्जली बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ सिंगल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये जो फैक्टर हैं एंड जो फोर्सेज हैं ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट को लार्जली और बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ सिंगल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो है ये बियॉन्ड द कंट्रोल है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है,